वही जो पूरा करना है उसकी एक ताकत एक शक्ति लेने अपने माँ बावे वाले के चरणों में आया हूँ और माँ से एक आशीर्वाद लेने आया हूँ। और जिस माँ ने मुझे जब मैं इलेक्शन लड़ने गया था मैं माँ के चरणों में मत्था टेक के गया था, माँ से इजाज़त लेके गया था और मेरी माँ ने आज मुझे जम्मू कश्मीर रियासत का यूपी कह लें रियासत कह लें यहाँ का मुझे डिप्टी सीएम बनाया है। ये छोटा ओहदा नहीं है और मेरे खासकर मेरे जैसा आदमी जिसने एक गाँव से निकल के मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और मेरा एक मसाल आम उन बच्चों के लिए गांव के बच्चों के लिए हो जाएगा जो दूर दराज में रहते हैं कि अगर मेहनत की जाए तो आप भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा मैं माँ का भी शुक्रिया अदा करने आया था कि माँ तूने मुझे ये ओहदा दिया और माँ से ये आशीर्वाद लेने आया था कि माँ मुझे आगे चलने की इतनी हिम्मत देना कि मैं जम्मू सूबे के लोगों के जो काम है उनको कर सकूँ, मैं खिता पीर पंचाल के लोगों का भी काम कर सकूँ, मैं चिनाब वैली का भी और खास करके मेरी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा जहाँ से मैं जीत के आया था मैं MLA बना था उन लोगों के भी काम कर सकूँ। और माँ से यही उम्मीद लेकर आया था कि माँ मुझे अब ये अगर पावर दी है ये ओहदा दिया है तो अब चलाने की हिम्मत भी देना। सर स्टेटहुड को लेकर कैबिनेट जो कि कल मिली थी जिसमें आप भी शामिल थे एक रेजोल्यूशन पास किया गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिला जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर की जाए। देखिए कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी वो रूटीन की मैटर था क्योंकि हमेशा जब सरकार बनती है उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होती है। तो अब ये सरकार नई नई बनी थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर साहब ने ये कैबिनेट मीटिंग ली थी और उसमें ये तो नहीं कि स्पेशल इसी के लिए कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग तो और मुद्दों के लिए भी थी। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी देश के उन्होंने खुद कमिटमेंट की है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में जब हालात आज ठीक हो गए आपके सामने असेंबली इलेक्शन हुए हैं वोटिंग परसेंटेज भी बड़ी है और आज सरकार भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनाई है तो इसका मतलब हालात ठीक है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने आज जल्द अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को फिर से वही रुतवा जो उसका था जो स्टेट का वो स्टेट बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपने जब ये सवाल पूछे तो मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस ये मौदा मुझे दिया और इस जिम्मेवारी के काबिल मुझे समझा और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी आभारी हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की मुझे जिम्मेवारियां दी हैं उन्होंने एक ट्रस्ट मेरे पर व्यक्त किया है, मैं उस ट्रस्ट को हमेशा पूरा करने की कोशिश करूंगा।